अंतिम चरण पर एलएसी के पास दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण कार्य। हिमालय की चोटियों पर चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास करीब 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी रोड बनकर तैयार है। तमाम बाधाओं के बीच आखिरकार सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लगभग 255 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण लगभग पूरा कर दिया है। इस सड़क के साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा कार्य अब अंतिम दौर में है। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जिस सड़क निर्माण को लेकर गतिरोध शुरू हुआ था वह अब बनकर लगभग तैयार हो गई। दौलत बेग ओल्डी डीबीओ तक सड़क बनाने का फैसला शुरू से ही चीन को। हालांकि चीन को यह गलतफहमी थी कि भारत शायद ही यह मुश्किल कार्य। इसके साथ उसने अड़ंगेबाजी करने के अलावा अपने विरोध को मौजूदा हालातों तक पहुंचाया, लेकिन भारत ने अपना कार्य नहीं रोका और डीबीओ तक रणनीतिक सड़क तैयार करके चीन को चौंका दिया। अटल सरकार में लिया गया निर्णय मोदी सरकार में पूरा। अब इस रोड पर सिर्फ ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है जो इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। इससे गलवान घाटी को जोड़ने के लिए 10 किलोमीटर की लिंक रोड भी बहुत तेजी से बन रही है। पूर्वी लद्दाख में बेग ओल्डी डीबीओ तक सड़क निर्माण 5 महीने से चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बावजूद सभी प्राथमिकताओं में से एक था। दुर्भुक्ष्योग दौलत बेग ओल्डी मार्ग का निर्माण अब अंतिम दौर में है। इसके अलावा लद्दाख से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा। इन परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला तो वाजपेयी सरकार में हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य में तेजी मोदी सरकार में से एक। अटल टनल का निर्माण पूरा होने के बाद 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। लेह के लिए नीमू पद्म दारचा सड़क भी जल्द ही चालू हो जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। सरकार ने एलएसी के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों के लिए बजट में 1,200 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। लद्दाख के सीमा क्षेत्रों में कई और सड़कों का निर्माण कराया जाना है। एलएसी के लगभग समानांतर है डीबीओ सड़क। चीन को पहले लग रहा था कि दौलत बेग ओल्डी डीबीओ तक सड़क नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहाड़ों को काटना और स्ट्रेचिंग सड़क बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन चीन का माथा तब थनका जब सड़क बनकर लगभग 80% तैयार हो गई। दारबुक्ष्योग दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण का कार्य अब लगभग पूरा हो गया है और इसी माह के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। यह सड़क दुर्बुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क भारत चीन की सीमा एलएसी के लगभग समानांतर है, जो 13,000 फुट से 16,000 फुट के बीच की विभिन्न बीच ऊंचाई से होकर गुजरती है। यह सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के शिनजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है। 61 सामरिक स्थानों को चिन्हित किया गया। दरअसल 1962 में सड़कों पुलों का विकास न होने से भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए जाना जाता है। महज एक माह के इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4,250 मीटर 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था, इसलिए वह इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का नक्शा बदलने की शुरुआत सही मायने में स्व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से हुई। उस समय कुल 61 सामरिक स्थानों को चिन्हित करके एलएसी पर रणनीतिक सड़कें बनाने का फैसला लिया गया। इसी के तहत कश्मीर से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाने का फैसला लिया गया। वाजपेयी सरकार में सड़क बनाने के फैसले तो लिए गए, लेकिन सड़कें बनाने के काम में थे जी मोदी सरकार में आए। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने भी कहा है कि डीबीओ रोड की ब्लैक टॉपिंग इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। डीबीओ सड़क से खूनी गलवान घाटी को जोड़ने के लिए 10 किलोमीटर की लिंक रोड बहुत तेजी से बन रही है। इस लिंक रोड के बनने पर भारतीय सेना सिर्फ आधे घंटे में गलवान घाटी पहुंच सकती है, जिसमें अभी लगभग 8 घंटे लगते हैं। इसीलिए चीन इस सड़क का काम बंद करने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। डीबीओ रोड के अलावा देमचोक और कारगिल में भी परियोजनाएं चल रही हैं। पूर्वी और पश्चिमी लद्दाख में कई सड़कें बन रही हैं। रोहतांग में 10,040 फीट की ऊंचाई पर अटल सुरंग का उद्घाटन होने के बाद अब शिनकुला दर्रे के पास 5 किलोमीटर लंबी सुरंग की योजना में तेजी लाए जाने की योजना है। फिर भी इसके पूरा होने में 3 साल लग सकते हैं। इस सुरंग का भी हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर
टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इत्तर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेकर कैसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी, 10.5 मीटर चौड़ी बाईलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है।